बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी के बलिया में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मायावती ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार यूपी के लोगों ने जबरदस्ती के बेटे को गुजरात वापस भेजने और प्रदेश की बेटी की बहुमत की सरकार बनाने का मन बना लिया है। सुनते हैं क्या कुछ कहा मायावती ने बलिया की रैली में। लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, बलिया जिले के जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि क्या इन पौने तीन वर्षों के अंदर केंद्र की सरकार की ओर से किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? या आपके इस जिले में किसी भी हमारे किसान भाई का 1 रुपया भी कर्जा माफ हुआ है? मैं समझती हूँ कि नहीं हुआ है।